जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु सिद्धार्थ भक्ति निवेदित नियारा कार्यक्रम न भोगिब जमदंड को आपण मान समस्त स्वागत। आज विषय वस्तु प्रेत कर्म रे एकादशाह। तेबे आज जो विषय वस्तु रही एकादश कर्म मनुष्यर दस दिन दिन आम जो पालन कले प्रेतर दशाह कर्म आज्ञा इंद्रिय दस दस इंद्रिय दोष आज्ञा दस आउ दिगपाल आज्ञा दस मनुष्यर भाग आज्ञा करा जाए दस। तेब ये दस कौन दस शब्दर अर्थ हूँ आज्ञा दर एटी दक्षिणा देवे आउ सरे शब्द को अनुसरण करिवे। ये दस शब्दर अर्थ दर्शक बंधु कौ दक्षिणा आम तुम दबा कौ दक्षिणा किए क्या दब किए क्या पाखे शरण पशिव ये प्रश्नर समाधान आपण माने समस्ते जानी किंतु आज सरल उपाय जानवे। ये दस दिन दिन जोबले आमे भगवान पाखे शरण पशी प्रेत शरीर को आम घर भितर आम रखी ये कर्ता ता जीवन जो दस दोष अर्थात यही दस दिन भितर प्रथम दिन रु दस दिन पर्यंत जो जो दोष प्रेत कर्म कर भितरे जो जो दोष करी आउ जीवन ने जो दस दोष करी जणांतरे बा अजणांतरे हो सेथि पाई ये गुरुंकर पाद पद्मरे शरण पशि थाए से गुरु होउचंती ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सेथि पाई दस कर्म रे मंगलार्पण करा जाए। मंगल शब्दर अर्थ किए कि से मंगल भव सागर तारण कारण हे भव सागर तारण कारण हे रवि नंदन बंदन खंडन हे शरणागति किंकर भीत मने शरणागति किंकर भीत मने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने मन बारण शासन अंकुश हे ए बापा मन बारण शासन अंकुश हे नर त्राण परिहरी चाप कहे गुण गान परायण वेद भणे गुरुदेव दया कर दीन जने। ये दस देश को दस दोष को गुरु बिना केही आज्ञा क्षमा दे पारिबे नाही। ये गुरु किए ना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये मंगलार्पण यही पाई करे जो प्रेत शरीर टी प्रस्तुत हला दस दिन भितरे जहाँ से आनी घरे रखिला से शरीर भितरे जदि पुनर्बार पूर्व भली ये प्रेत शरीर जी पूर्वरु मानव थिला पूर्वरु जीव थिला पूर्वरु ये मनीष थिला मनीष भितरे जो स्वार्थपरता थिला मनीष भितरे जो गर्व अहंकार काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य ये जहाँ किसी थिला जदि प्रेत शरीर भितरे जदि गोटे शक्ति पशिगला ना तेबे कौन हम जानी प्रेत शरीरटा बेताल रूप नहीं जाई थाय प्रेत शरीरटा शांति हुए ना सारा दिन धरी घर भितरे अशांतर झड़ को सृष्टि करी थाय सेइती पाई समस्ते सतर्क रही दस दिन दिन न मंगलार्पण समय रे भोजन परे परे समस्ते विकल रे आकुल रे आज्ञा डाकी थांती नारायण को गुरु को डाकंती केवल प्रेत शरीर को सुरक्षा दवा पाई आज्ञा
ଆପଣ ପଚାରି ଯଦି ଏତେ ବିପଦ ତାଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଘାଟ କୂଳ ଆଣୁଥିଲ କାହିଁକି? ଏପଟେ ଯଦି ଆଣୁଛନ୍ତି ଦୋଷ, ନ ଆଣୁଛନ୍ତି ବି ଦୋଷ, ତେବେ ଏ ଶରୀରକୁ ଆଜି କେମିତି ଶାନ୍ତି କରିବେ? ଯେତେ ପାରିବେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ, ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ, ଭକ୍ତିରେ ହଉ ଶକ୍ତିରେ ହଉ, ଭଗବାନ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ହଉ, ଡାକିବେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ଗୁରୁ ହିଁ କେବଳ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ସେ ଶରୀର ଭିତରେ, ପ୍ରେତ ଶରୀର ଭିତରେ। ଯେମିତି କ୍ରୋଧ ନ ପଶୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଡ଼ ଶତ୍ରୁ ନ ପଶନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲୁହାର କଟୁରୀ ଆଜ୍ଞା ଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଦଶ ଦିନ ଦିନ କର୍ତ୍ତା ନଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ ହେଇ ମାଳି ପକେଇ ଆଜ୍ଞା ଧରିଥିବ ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ କଟୁରୀ ଆଜ୍ଞା, କଟୁରୀ ଧରିଥିବ। ସେ କଟୁରୀ କ'ଣ? ଇଏ କଟୁରୀ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଯମ ରାଜା ଜଗି ବସିଛନ୍ତି। କହିଲେ ବାପା ଲୁହା ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ ଯମ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଶରୀର ଭିତରେ ସିନା ପଶିଗଲୁ, ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ପଶିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ଜଗିକି ବସିଥିବୁ ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଏଇ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକିନି କର୍ତ୍ତା କ'ଣ କରିବ? ଦଶ ଦିନ ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି, ଏଗାର ଦିନ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଉଠି ସ୍ନାନାଦି ଶୌଚାଦି କ୍ରିୟା କରି ସାରି ଏକାଦଶ କର୍ମ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏଇଠାରେ ଯେଉଁ ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରେତର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାଏ, ଆଜି ସେଇ ଶରୀରକୁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରାଯିବ, ଶରୀରକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦାନ କରାଯିବ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକୋଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଏ ଜଣକ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ହଁ ଜଣକ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଆଜି ଜଣକୁ ଆଜି ଏଠି ଘରେ ଖାଇବା ପିଇବା, ଆଜି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଆଜି ସବୁ ଦିଆହବ ପ୍ରେତକୁ। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଯିଏ କାନ୍ଦିଲା ସକ ସକ ହେଲା, ବାପା ପ୍ରେତ ରହିବାଟା ଘରେ ଥୟ, ଏ ସମୟରେ କେହି କାନ୍ଦନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଥାଏ, ନୂଆ ଲୁଗାପଟା ହେଇଥାଏ, ସମସ୍ତେ ପୁରା ଚିକନ ଚାକନ। ଇଏ ପୁରା କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା, ଦଶ ଦିନ ଧରିକି ଯେଉଁ ହବିଷ ଅର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ଖାଇଥିବେ, ଅପୁଟା ଖାଇଥିବେ, ପାଟି ପୁରା ଯାକ ଖାର ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ଆପଣ, ଦଶ ଦିନ ଚୁଟି ବଢ଼ିଯାଇଥିବ, ଦାଢ଼ି ବଢ଼ିଯାଇଥିବ, କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥିବ ଦାଢ଼ି, ଏ ସବୁ ପୁରା ସଫା ହେଇଯାଇଛି, ବଡି ପୁରା କ୍ଲିନ୍। ଆପଣ ପୁରା ଏକାଦଶ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧାପାଧା ସାରି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ତ୍ତା ଖାଲି ଗାଧୋଉଥିଲେ, କର୍ତ୍ତୀ କେବଳ ସବୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, କର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଏତେ ଗାଧୁଆ ପଣ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଜୀବନରେ ଭାରି ଗାଧେଇବାଟା ଭାରି ଭୟଙ୍କର କାମ, ଭାରି କଷ୍ଟ, ସକାଳୁ ଉଠିବେ ଗାଧେଇବାଟା, ଗୋଟେ ଗାଧେଇବା ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଭାରି ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ନଗା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଆପଣ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଦେଖାଯିବେନି, ଆପଣ ଆନନ୍ଦମୟ ଦେଖାଯିବେନି, ହଁ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେନି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ, ଏଠି ଆଜି କର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିବ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ବାରମ୍ବାର ଗାଧେଇବେ, ଗୋଟାଏ ଥର ନୁହେଁ, ହଁ ହଁ ଆମକୁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦଶ ଦିନ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଘାଟକୂଳକୁ, ସେପଟେ ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଧେଇବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଶୌଚବେ, ନଖ କାଟିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ କର୍ମ ସାରିବେ। ଏ ଦିନ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଥୋଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣଙ୍କର ନଅ ଦିନ ଧରି କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ଦଶ ଦିନ ଧରି କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଦଶ ଦିନର ମଙ୍ଗଳ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଦଳେଇବେ ନାହିଁ, ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏକାଦଶ କର୍ମ କରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟ ଆସିକରି ପଚିଶ ଗୋଟି ବିଷ୍ଠର ତିଆରି କରନ୍ତି, ବିଷ୍ଠର ବୋଲେ କୁଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେ ବିଷ୍ଠରରେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଏ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମର କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଶର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, କୁଶରେ ବିଷ୍ଠର କରିଥାଏ, ବିଷ୍ଠର କରିଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବସିବା ସକାଶେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସନ ନିମନ୍ତେ। ବିଷ୍ଠର ବୋଲେ ଆସନ, ଇଏ କୁଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାଏ, କୁଶ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ପଚିଶଟି ଆସନ ବା ପଚିଶଟି ବିଷ୍ଠର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି, କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟ। ଆପଣ ଏଇଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟ ଯେତେବେଳେ ପିତୃକର୍ମ କରିବେ, ପ୍ରେତକର୍ମ କରିବେ, ଏଇଠି ପ୍ରେତ ଘଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେତକୁ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରେତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। କେମିତି ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ନା, ପ୍ରେତକର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆସନ, ପାଦାସନ, ପାଦ୍ୟ, ଅର୍ଘ୍ୟ, ଆଚମନ୍ୟ,
पुनराचमन स्नान गंगा स्नान समस्त तीर्थ जल स्नान क्षीर स्नान दही स्नान केते प्रकार स्नान आदि शौचादि कार्यक्रम करिवे आपण स्नान हले आपण घरे कालठू से आसी अछंदी प्रेत बा पितृ ताको आपण स्नान करिवेनी तांकर जळी तांकर प्रात समय रो जेमती डेली रुटीन जेमती सखाळ उठिले प्रत्येक व्यक्ति दांत घसीबा टू आरंभ करी गाधेया पर्यंत जो जो उपकरण दरकार हुए आपण से समस्त उपकरण को पाखे रखिवे ब्राह्मण को द्वारा ये सब चौपती रे सजडा जीवो दांत काठी टू आरंभ करी समस्त द्रव्य गाधेया पर्यंत स्नान आदि पर्यंत सब द्रव्य सजडा जीवो चौपती रे सब रखा जीवो एठी प्रेत को स्वागत करी तांकर आसन टू आरंभ करी तांकर स्नान आदि पर्यंत सब द्रव्य को सजाड़ी रखा जीवो हाँ प्रेतर भोजन पाई कांस्य पात्र आउ प्रेत बाबा पानी पीवा पाई गिलास प्रेतर व्यंजन पात्र ताम्र पात्र आउ कौन जदि स्त्री पक्षे अच्छा से माने तांकर अलता कंकण केश मार्जनी बोले आपणकर पानिया आउ चामरी अंजन पात्र सिंदूर पात्र गंध शंख अलंकार ये सब कौन हबो ना तांको दियाजिवो देखंतु गोटे व्यक्तिर प्रात समय रु आरंभ करी भोजन पर्यंत जहा जा उपकरण आपण सबू आज्ञा अर्पण करिवे से पितृंकर जोटी कर्म होतुबो ब्राह्मण ताकू कौन करिवे ना से घट पाखरे आपणकर कौन हबो ना चौपती पड़िकिन सेठी सबू जिनिस सबू रखा जीवो मंत्र माध्यम द्वारा ये दुर्बल कृत्य मंत्र ये मंत्र माध्यम द्वारा गोटी 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 गोट करी विराट कर्म हुए ये दिन आपणकर कौन हबो ना प्रेत को स्वागत आपण करिले येठी जो प्रेत घट बा जोटा आपण घट बसीची जो थरे आपण पितृ जो सही सूक्ष्म शरीर को आपण आवाहन करिचंती स्वागत करिचंती येठी कौन हबो ना से समस्तंग सहित मिसिव येठी केवल जे कर्ता जे धरिची कर्ता जे क्रियाकर्म करुची सीए जे केवल एगुड़ा सब दब ना नुहे समस्ते कौन करे ज्ञाती कुटुंब समस्त परिवार वर्ग समस्ते येठी हाँ ये जो पितृकर्म हो पुष्पांजलि अर्पण करती पुष्पांजलि अर्पण करती आपण देखिए एगार दिन यही जिते बड़े भोजन क्रिया प्रस्तुत करा जाए से फटो रखा जाए पितृ फटो रखी जाए यही दिन एगार दिन पुष्पमाल्य अर्पण करा जाए एकादश कर्म प्रीति भोजन मध्य सन दि जाए कारण पितृ खाइबे पितृ सहित आपण परिवार ज्ञाती कुटुंब समस्त आज्ञा से दिन खाइबे एगार दिन ये परे समस्त अंजन पात्र सिंदूर ये जो सब द्रव्य जोगे सारा परे पितृ को खाइबा को दियाजिव पितृ को खाइबा को जो दियाजिव ये पितृ भाषा रे बा दुर्बल कृत्य भाषा रे आकु कुआ जाए करटा रंधा जाए अर्थात यही कौन हबो कर्तिराणी जो थे दक्षिण पट को चूली द्वारा प्रस्तुत हबो दक्षिण पट को चूली हो चूली धीरे प्रस्तुत हबो कौन ना आज पर्यंत होता छेलुआ पूर्ण हाँडर नुहे हाँड की फटे कि खपरार रोसे जो कहते ना आज किंतु हम कौन ना पूर्ण माटी हाँ नूतन हाँ आपण कौन करिवे ना गंध चंदन सिंदूर मारिकरी यही प्रेत उद्देश्य रे बा पितृ उद्देश्य रे आपणकर धर्मपत्नी दक्षिण पट को चूली हेथिव से चूली रे प्रस्तुत हब कौन ना पाकर्ण प्रस्तुत हब पंचुवर्णित कहा जाए सबू मिसई मसई कदली सारू आलु आपणकर मुग जाई आपणक घृत शर्करा ये सबू किछि मिसिकरी अर्थात पाकर्ण प्रस्तुत हब यही जेतबले आसिबो जोठी पितृकर्म होटिक मंज कदली पत्र बढ़ाजीव कदली पत्र आपणकर कौन हबो ना अर्ण व्यंजन आदि परिवेशन करिकिनी आपण पितृ को अर्पण करिवे आपण मान पाखे आम बारंबार कथा कही रखीचु आम मैने खाऊे जेपरी सिया नुहे जेतबले कौनसी पितृपुरुष कौनसी श्राद्ध कर्म आपण करुछंती शुद्धपूत भाव आपण करिवे आउ सेठी जिते जहाँ आसन पकाउन जो थे खाया दिंतु ना कहीं किंतु गोटे जिनस पितृ ग्रहण करती से हूँ कुश से कुश पारिदे
कुश पारिला परे एठी ब्राह्मण महाशय कर्तांक द्वारा एठी पितृपुरुषंकु बाजे जो जहांक पई आपण क्रिया धरिचंती तांको आपण खाइबा को देबे पितृंक उद्देश्य रे अर्थात एठी आपण ये कोधिष्ट श्राद्ध आपण प्रदान करिले एठी जेमिति श्राद्धरे बापा 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 तार बापा ना माँ तार शाशु ना एठी जनक पई उद्दिष्ट से किए ना जे चली जाइचंती जहार पिंड प्रस्तुत होइचि जहार शरीर प्रस्तुत होइचि दस दिन भितरे से आज आम घरे अतिथि एठी जो हांडी आपण पाकर्ण प्रस्तुत करथिबे अतिथि आज्ञा रहिबे केते दिन जानिचंती ना एउठु आरंभ हला अरे मिछ माया संसार केही नुहे कहार सर्वे काए का अभिनय सरी बाहुड़ीबे काल बोले बाहुड़ीबे काल बोले कई कार रुंती एउठु आरंभ हबो सबु किछि खाइबा पिबा को देबे किंतु आज समस्त मिसी करी परिवार वर्ग टू आरंभ करी समस्ते प्रस्तुत होतवे ये विपद ये विपद ये विपद ये विपद केमिति शुद्ध पुतावरे कर्म करी आकु रात्रि विदाय करदबा सेइति पाई कौन करंती जानंती पाल दौड़ी प्रस्तुत होइतिबो एक सिका से सिका देहरे अधा अर्ण पिंडदान देई अधा अर्ण श्राद्ध देई आउ अधा अर्ण को रखिबे से सिकारे पाल दौड़े गुड़ेकनी अरे खाइया को तो देलु देलु पाल दौड़े पूरी गुड़ेलु काहेकि सेतिकी बेल थारू प्रेत जानी जाए किंतु किछि कहे ना जानिची ये संसार केही नुहे कार आज्ञा एइठी रात्रि रे विसर्जन हब प्रेत तेबे जा भी हो एठी कौन हब पाल दौड़ी शिकार की रखी बुड़े किनी जेमती केही जेमती न छुईबे से स्थान रे आकु रखा जीवो आकु दक्षिण दिग को कौन हब ना टंगा हे जीवो एथरे श्राद्ध शेषरे गुआ बिष्ठर आउ बटु गोटे चौपदे रखी तन मध्य छुईकी ताकु रखिदब एकादशरे एतिक कर्म करी साला परे प्रेतकु टिके विश्राम दरकार बा पितृपुरुष गुटे खाइया को दे साला परे जेमती विश्राम नबार आवश्यकता अछि तेबे एटी विश्राम हबो प्रेत बा पितृपुरुष शयन करिवे से शयन कुआ जाए शज्यादान शज्यादान आमे केमिति करिबा शज्यादान केवल करा जाए ना ता सहित तो आउ किछि दान करा जाए ये समस्त कथा जानिबा आगामी अध्याय रे तबे आसंतु विदाय नबा पूर्वरु दुई बार से भगवान कर पूर्व नाम बोले सच्चिदानंद भगवान की जय जय जगन्नाथ पतित पावन जय जय जगन्नाथ लक्ष्मी प्राण धन जय जय जगन्नाथ अनंत मुरारी जय जय जगन्नाथ वैकुंठपति कमला हृदय पद्म दीन कर हरी अज्ञात तिमिर बिना सनदई तारी अज्ञात तिमिर बिना सनदई तारी जय
जय जय जगन्नाथ पतित पावन जय जय जगन्नाथ लक्ष्मी प्राण धन बोले सच्चिदानंद भगवान की।